भाई अभी ऑर्डर तो आ गया अपना और मैं वही ढूंढ रहा हूँ भाई, इसमें की रखा था यार, मतलब चाबी पीछे कंटेनर की। मिल गया भाई चाबी। अभी दिखाता हूँ कंटेनर खोल के कि उसमें चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि बोरियाँ लोड होंगे भाई, तो चेक करना पड़ेगा कि कैसा क्या सिस्टम है, अंदर गीला तो नहीं है, क्योंकि मेरे को रास्ते में पानी गिरा रहा ना, इस मौसम में भी पानी गिर रहा, बताओ भाई। कहाँ फोन लगाते हैं, थका दिए, इतना दौड़ गया ना मैं। देखो शटर बंद हो गई, ये लोग फोन लगा रहे थे कि दूसरी साइड गाड़ी लगाना जल्दी फटाक से, तो मैं अभी गया था खाना खाने को, देखो पसीना पसीना हो गया, अभी खाना खा और खतरनाक दौड़ते हुए आ रहा भाई। हो गई ना, और मैं अभी म्यूजिक सिस्टम लाया था ना, देखो मैग्नेट है, इसको डालूंगा ऊपर ये छेद में, तो ये 8 इंची का मैग्नेट, इसको डालूंगा, काफ़ी डीजे बजाऊंगा भाई, खतरनाक वाली। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी मैंने जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। तो भाई जैसा कि ये वाला व्लॉग वीडियो ना, मतलब ये वाला वीडियो मेरे फर्स्ट व्लॉग वीडियो कहलाएगा भाई, मतलब कि माय फर्स्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई जैसा कि मेरा नाम है अमित और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अमित एक्सप्रेस। तो भाई अगर मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम से पहुँच जाए। तो भाई जैसे कि मैं अपने बारे से बता देता हूँ भाई, तो मैं हूँ एक ट्रक ड्राइवर और मैं ट्रक चलाने के साथ साथ एक ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रक ड्राइवर भाइयों के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो फिलहाल अभी मेरी गाड़ी देख सकते हैं अंदर से, मतलब कि इसको घर का हो, कमरा का हो, जो भी कहना कह लो भाई, सब यही है हम, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मतलब 24 घंटे इसी में बिताते हैं, तो हमने इसे मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से सही से डेकोरेट से हर एक चीज़, म्यूजिक सिस्टम तो नहीं लगा है लेकिन सारा चीज़ करके रखते हैं ज़बरदस्त से इसको, मतलब कि एक घर के बराबर ही रखते हैं। तो भाई मैं अभी चलता हूँ नीचे और अपनी गाड़ी नीचे से दिखा देता हूँ, और आज है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मतलब कि मौसम एकदम बदल बदल सा सीन है, और पीछे काफ़ी ज़्यादा पानी गिरा है। और मेरा लोकेशन भाई अभी सिहोरा पहुँचा था, टोल है सामने सिहोरा टोल, तो मैं अभी आ रहा था सतना से खाली करके, जा रहा हूँ भरने के लिए, तो अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या भरने वाले हैं, तो आप सभी को पता चल जाएगा। मैं अभी जाता हूँ नीचे और अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ फटाफट से भाई। तो ये रहा अपनी गाड़ी का सीन, कुछ नीचे का इस प्रकार देख रहा हूँ, पूरा ऊपर गाड़ी थोड़ी गंदी है, बट कोई बात नहीं, अभी पानी भी जस्ट गिरा था ना, पानी देखो पूरा पानी गिरा हुआ है। और ये रहा लोकेशन से और टोल जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, और सामने से देखो कांच में भी थोड़ा रेडियम कराते हैं, और इस इतने बीच में पता है, इस बीच में अपन कराएंगे अपना चैनल का नाम, देखते हैं क्या होता है। और इस साइड से भी देख लो, पीछे गंदी है थोड़ी गाड़ी, अभी कोई ना। तो चलो भाई यहाँ से रखते हैं कंटेनर सफ़र आगे के लिए, आगे जाना भी है, 1 घंटे टाइम है अपने पास, और अपने को चलना 50 किलोमीटर, तो पहुँच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो भाई यहाँ से रखते हैं कंटेनर, मेरी गाड़ी है स्टार्ट आगे के लिए, जो कि ये रहा सामने टोल, और टोल में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बैक की हो रही भाई, काम नहीं कर रहा फास्ट क्या, काम तो कर रहा है यार, चलो देखते हैं अपने काम करेगा नहीं करेगा जो भी होगा। क्या पता करेगा कि नहीं करेगा, करना तो चाहिए भाई। करना तो छे मैडम बैठी है सामने, करेगा क्यों नहीं करेगा। ओ हो गया भाई, तो भाई मैं आपको मिलता हूँ आगे कहीं, रखते हैं अभी कंटिन्यू सफर।
वाला कंपनी जहाँ हमको आके रुकने के लिए बोला था, अभी कंफर्म नहीं हुआ। लॉजिस्टिक बता, यूनिटी लॉजिस्टिक पार्क हो सकता है, यही है। हाँ, यहीं पे आके रुकने के लिए बोला है भाई, यहाँ रुक जाना, फिर मैं बताऊँगा, फिर से आगे जाना, देखते हैं क्या। भाई तो अभी वहाँ पहुँच गया जहाँ हमको बोला गया था कि यहाँ आकर रुक जाना और मेरे को कॉल कर लेना 10 बजे। तो फिलहाल अभी 10 बज चुका है और मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। देखो ये रहा सामने, तो वो गाड़ी लगी हुई है भैया, कंपनी मतलब वहाँ पे पैंट डेंट का डब्बा जो भी है, नेवलैक पैंट का डब्बा तो वहीं लगता है। देखो लोडिंग के लिए अब कहाँ के लिए जाता है, रायपुर हो सकता है या बिलासपुर हो सकता है, जहाँ भी होगा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फिलहाल अभी कर लेता हूँ उसको कॉल और कन्फर्म कर लेता हूँ लोडिंग, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। भाई अभी बात हो गया उनसे और उन्होंने बोला कि लोडिंग अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी वहीं खड़े रहो। और ये भी पता ना कहाँ के लिए लोडिंग हो रहा है, मतलब कहाँ के लिए, क्या छत्तीसगढ़ के लिए होगा, रायपुर या बिलासपुर, कहीं भी दोनों में से एक जगह का होगा, जहाँ के भी होगा, अभी लोडिंग कन्फर्म करने के बाद में फिक्स पता चलेगा। तो भाई अभी तक कि मैं सुबह से कुछ नहीं किया, ना ही चाय पिया, ना ही नाश्ता। तो मैं अभी हटाफट से जाता हूँ सामने और वहाँ मतलब रोड में मिल ही जाएगा चाय नाश्ता, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो फटाफट से वहाँ चाय नाश्ता जो भी मिलता है वो करके आते हैं, फिर आप लोगों को आगे का अपडेट देते हैं। भाई अभी ऑर्डर तो आ गया अपना और मैं वही ढूंढ रहा हूँ, भाई इसमें की रखा था यार, मतलब चाबी पीछे कंटेनर की, मिल गया भाई चाबी। अभी दिखाता हूँ कंटेनर खोल के कि उसमें चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि बोरियाँ लोड होंगे भाई, तो चेक करना पड़ेगा कि कैसा क्या सिस्टम, अंदर गीला तो नहीं है, क्योंकि मेरे को रास्ते में पानी गिरा रहा ना, इस मौसम में भी पानी गिर रहा, बताओ भाई। चलो दिखाता मैं आपको, ब्यूटी क्वीन, ये रहा अपनी गाड़ी भाई साहब। तो ये कंटेनर ताला खोल देते हैं, अरे भाई गुज्जा, अरे ये खुल गया, भाई गंदा तो है यार, देखो फर्श देखो अपनी, इतना गंदा है ना, इसको नीचे खींच, इधर डाल भाई, अब इसको करना पड़ेगा साफ, उसके बाद ही इसमें बोरी लोड हो पाएंगे कुछ अंदर। कहाँ लग रहा है, इसको ही पी लो उधर, जा भाई जा। हो अब कोई है ही नहीं, इसको करना पड़ेगा साफ, मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। और ऊपर वो दिख रहा है वाइट वाइट कलर दिख रहा है, वहाँ से ना कंटेनर छेद हो गया भाई, तो पुट्टी डला हुआ है पता है, तो पानी मतलब बारिश में टपकता है, ज़्यादा बारिश अगर आ गया तो देश में पानी चला, रबड़ कटा हुआ है तो पानी चला गया इधर। अब इसको मेरे को लगाना पड़ेगा झाड़ू, फिर जाके होगी अपनी गाड़ी कंप्लीट लोडिंग के लिए। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ इसको कंप्लीट, ताकि अपनी गाड़ी फटाक से लग जाए लोडिंग पे, फिर कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। भाई अभी लग चुका है अपना गाड़ी लोडिंग पे, देखो ये रही, और अभी मैं साफ करके मस्त लगा दिया ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहा इस वजह से मैंने बताया नहीं रहा। तो चलो अभी दिखाता हूँ मैं पीछे क्या लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये चल रहे हैं पीछे, मतलब पीछे बैक कैमरा कर लो इधर से, बैक कैमरा भाई यार, क्या है ये, कुछ भी तो नहीं है, इसमें रबर डलवाना है यार, रबर टूट निकल गया इधर से, देखो बड़ी इसका जो होल ना, इसमें नट फंस रहे वो बड़े बड़े हो गए, तो ये वाली पट्टी में खींचना पड़ेगा उसका रबर। यार लोड बोरी जैसा हो रहा है लोड, पता नहीं क्या है, जो भी है हो जाएगा यहीं से कंप्लीट अपना, और यहाँ से सीधा निकल जाएंगे रात के लिए। तो अभी मेरे हाथ भी देखो गंदे हैं पूरे, मतलब कपड़े से लेकर हर एक चीज़ गंदा है, क्योंकि मैंने अभी साफ किया और गाड़ी लगाया फटाफट से, क्योंकि ये बोले थे जल्दी करो, तो मैंने फटाफट से गाड़ी लगा दी। अब चलता हूँ उस वाले कोने में, मतलब इधर है, सॉरी इधर, हाँ किधर, इधर, हाँ इधर, इधर है हाथ हाथ धुलने का मस्त सिस्टम, क्योंकि हाथ हाथ धुल लेते हैं। और अभी चलते हैं अपन
खाना खाने को बाहर, मतलब कि रोड के पास जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। खाना वाना खा के मस्त आता हूँ, फिर देखते कितने टाइम यहाँ से निकलते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। कहाँ फ़ोन लगाते हैं, थका दिए, इतना दौड़ गया ना मैं। देखो शटर बंद हो गई, ये लोग फ़ोन लगा रहे थे कि दूसरी साइड गाड़ी लगाना जल्दी फटाक से। तो मैं अभी गया था खाना खाने को, देखो पसीना पसीना हो गया, अभी खाना खा के और खतरनाक दौड़ते हुए आ रहा भाई। तो चलो ये गाड़ी को चेंज करते हैं, उस साइड लगाते हैं दूसरी साइड में, साइड से लोड हो गया, अब उस साइड जाके लोड करते हैं। तो चलो पटाक से भाई, वहाँ से भी फ़ोन हो गया था अपना ट्रांसपोर्ट से, क्या तुम कहाँ चले गए? मैंने कहा भाई खाना खाने के लिए, खाना खाने दो भी दो कि नहीं, कहते ठीक है खाना खाओ जल्दी जाओ। तो चलो करते हैं फिर गाड़ी को स्टार्ट। हो गया भाई, थक गया भाई। पर हालत देखो अपनी पसीना से, मैं कहो कोई मतलब बोलते हैं कि मेहनत नहीं लगती गाड़ी चलाने ना। मैं अभी आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ गाड़ी कितनी जगह में लगी है और कितनी लंबी गाड़ी, बड़ी मुश्किल से भाई पहले की बार पूरी हालत देखो, बड़ी मुश्किल से लग पाया है। अभी नीचे जाता हूँ, ये अंडर वाइड हो गया, चलो नीचे चलो। ये इतना जगह है, फिक्स जगह, इधर और उधर भी चिपका हुआ गाड़ी, इतने में आगे पीछे करके अभी मेरे को निकालना है। सिर्फ इसमें देखो 3 से 4 फीट का गेप है, दूर से सही दिखने 3 से 4 फीट का गेप, और इसको लगाना इतनी बड़ी ट्राला, और हालत अपनी देख ली है ऐसे खतरनाक हो गया। ये लग रहा है भाई, ये अब यहाँ से हो जाएगा पूरा कंप्लीट अपनी गाड़ी। भाई अभी हो गया अपनी गाड़ी लोड, और मैं फिलहाल अभी देख रहा हूँ मेरी हालत देखो, क्योंकि गाड़ी निकालने में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना। और मैं अभी म्यूजिक सिस्टम लाया था ना, देखो मैग्नेट है, इसको डालूँगा ऊपर ये छेद में, तो ये 8 इंची का मैग्नेट, इसको डालूँगा, काफ़ी डीजे बजाऊँगा भाई खतरनाक वाली। तो इसको अभी मैं कर रहा था, फिर इसका टेप ये रहा, इधर गया, ये है दिख रहा है ये, तो ये है इसका टेप जो कि अभी यहाँ सिस्टम जमा रहा हूँ, और इसको मैं फटाफट से जमा लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। जब तक मेरे कागज़ भी रेडी हो जाएगा फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है भाई। तो अभी मैंने सारा काम वामों के कर लिया, जो भी ना म्यूजिक सिस्टम लगा रहा डाल रहा था, ये देखो डल गया ये, और दूसरा इधर है, किधर इधर ये है, और बॉक्स ये रखा, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया। और अपना ये वाला बिल भी मिल गया इस माल का, और अपने को अब चाहिए अपना ट्रांसपोर्ट बिल्टी, तो वो ट्रांसपोर्ट में जाके मिलेगा। तो मैं गाड़ी यहीं पे खड़ी करता हूँ और लेके आता हूँ सबसे पहले बिल्टी, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। तो ठीक है, ये वाला ब्लॉग अभी यही करते हैं एंड। ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और कमेंट करके बताना कि वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ कल सुबह, आप देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर जैसे सुबह होता है तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, तो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा सुबह, ठीक है। तब तक के लिए अभी मैं करता हूँ ये वाला ब्लॉग को एंड, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।